नमस्कार बच्चों, आज अपन देखेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित सरकारी स्कूल के अंतर्गत क्लास सिक्स की वर्कबुक सोल्व करना। इसके अंतर्गत जितनी भी वर्कशीटें हैं वो सभी अपन सोल्व करना सीखेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं परवा टू ब्रिज रेमेडिएशंस वर्कबुक। इसके अंतर्गत इंग्लिश की वर्कबुक सोल्व करेंगे अपन ग्रेड सिक्स सेवन। चलिए आज की वर्कशीट देख लेते हैं अपन। चलिए आज अपन देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 11 कॉम्पिटेंसी कैन अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन। इसमें फिर से अपने को इस वर्कशीट में प्रीपोजिशन को समझने के लिए ये वर्कशीट दे रखी है। सी द पिक्चर, आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है, यानी कि पिक्चर देखने नहीं जाना है, फोटो को देखना है। ये जो फोटो बने हो ये फोटो देखना, मूवी देखने नहीं जाना है। सी द पिक्चर एंड फिल प्रीपोजिशन, ये तीन प्रीपोजिशन दे रखी है, इनमें से एक को आपको यहाँ पे यूज करना है। पिक्चर देख लो, दो पेड़ है, बीच में मंकी बैठा हुआ है। द मंकी इज सीटिंग द ट्रीज, तो बीच में आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछे, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो मंकी कहाँ है, दोनों पेड़ के बीच में, तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, बिटवीन, क्या आएगा, बिटवीन। ओके, फिर आगे क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्या लिखी हुई है। फिर यहां लिखा 9 आता है 10 से पहले, तो मैंने अभी बताया आपको आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछे, और बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, बिफोर, 9 comes before 10, 10 के आने से पहले 9 आता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये पुलिस वाला है, इस चोर के पीछे भाग रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ, द पोलिसमैन वाज रनिंग द थीफ, द पोलिसमैन वाज रनिंग, पोलिसमैन दौड़ रहा था द थीफ, चोर के पीछे, पीछे को अपन ने क्या बोला था, अभी ऊपर अपन ने बताया था ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर मतलब पीछे, बिफोर मतलब पहले, और बिटवीन मतलब बीच में। तो पुलिसमैन किसके पीछे भाग रहा है, चोर के, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर। ओके, चलो आगे क्या है, ये देखो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, राजू है और उसके मम्मी पापा है, तो राजू इज स्टैंडिंग, राजू खड़ा हुआ है, हिज पेरेंट, उसके माता पिता से आगे खड़ा हुआ है, तो आगे को अपन क्या बोलेंगे, यहां पे ऊपर देखो, आफ्टर मतलब पीछे होता है, बिफोर मतलब पहले या आगे, है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है, बिफोर लिख रहे अपन, बिफोर, राजू पहले खड़ा हुआ है इस तरफ, है ना, और वो अभी अपन ऊपर देखा था 9 come before 10, 10 से पहले 9 आता है, और यहां पे बिफोर मतलब इन दोनों से आगे खड़ा हुआ है। आगे क्या है, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड, अपने हाथ धोने हैं, टेकिंग मील, टेकिंग मील, खाने से पहले, है ना, पहले का मैंने अभी बताया था आपको, पहले का मतलब क्या हुआ, आफ्टर मतलब पहले, बिफोर मतलब बाद में। ठीक है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, क्या आएगा, बिफोर, कुछ भी खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए। ठीक है, 7 comes 6, गिनती लिखी हुई है, 7 6 के बाद आता है, क्या आता है, 7 comes after 6, 6 से बाद में। ऊपर जो ऊपर लिखा था आपने 9 comes before 10, और यहां लिखा हुआ है नीचे 7 comes after 6, 6 लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ था अपन बीच,
इसको अपन कैसे लिखेंगे, आफ्टर, AFTER, ठीक है। तो तीन प्रीपोजिशन को अपन ने यूज करना सीखा, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, और बिटवीन मतलब बीच में। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा वर्कशीट नंबर 11। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।